हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एक बार हमारे विद्यालय के MDI स्कूल मिल्कीपुर की तरफ से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग फर्स्ट चैप्टर के टॉमसायर लेसन के पहले पैसेज को पढ़ चुके थे, अब हम लोग उसी के आगे सेकंड पैसेज से अध्ययन करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकेंड पैसेज से। अभी तक आप लोगों ने कहानी में पढ़ा कि टॉम ने मुरब्बा चुराया था, उसकी मौसी जी उसे घर में इधर उधर ढूंढ रही थी, परंतु टॉम ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी मौसी उसे बुला रही थी, टॉम टॉम कहाँ हो बेटा, टॉम कहाँ हो, परंतु टॉम ने कोई जवाब नहीं दिया। और जब टॉम तो मौसी ढूंढते हुए उसे बाहर बगीचे में पहुंची, तो उनके पीछे उन्हें लगा कि कोई आवाज़ आई। जब उन्होंने वापस मुड़कर देखा तो उन्होंने देखा कि टॉम जो है अलमारी के दरवाजे के पास खड़ा था। आगे देखिए, टॉम को देखकर मौसी जी ने क्या कहा, क्या उसे डांटा, उसे मारा, उसे पीटा, क्या किया, आइए देखते हैं। टॉम ने मौसी जी ने टॉम से पूछा, व्हाट हैव यू बीन डूइंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मौसी जी ने टॉम से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। आंट पोली आस्क्ड एंग्रीली, मौसी पोली जी ने गुस्से में पूछा कि टॉम तुम यहाँ क्या कर रहे हो। टॉम डिड नॉट आंसर, टॉम ने कोई भी जवाब नहीं दिया। सी वेंट ऑन, उन्होंने आगे कहा, मौसी जी ने आगे कहा, यू हैव बीन स्टेलिंग, स्टेलिंग मतलब चुराना, द जैम, जैम मतलब मुरब्बा, अगेन, अगेन मतलब दोबारा, तुम दोबारा मुरब्बा चुरा रहे थे। डोंट टेल मी, मुझसे ये मत कहना, दैट यू हैव नॉट, कि तुमने ऐसा नहीं किया है। बच्चे कहते हैं बहुत सारे कि नहीं मैंने तो ऐसा नहीं किया, मैं तो मुरब्बा नहीं चुरा रहा था। तो मौसी जी ने टॉम से कहा कि क्या तुम मुरब्बा चुरा रहे थे, तो टॉम ने कोई जवाब नहीं दिया। तो आंट पोली ने कहा, डोंट टेल मी, मुझसे ये मत कहना, मुझे ये मत बताना, दैट यू हैव नॉट, कि तुमने ऐसा नहीं किया है, क्योंकि मौसी पोली जी ने देखा था टॉम के मुंह के चारों तरफ मुरब्बा लगा हुआ था। हैव नॉट आई टोल्ड यू 100 times, क्या मैंने तुमको 100 बार मना नहीं किया है, टू कीप अवे फ्रॉम द कपबोर्ड, कपबोर्ड मतलब स्टूडेंट्स अलमारी, क्या मैंने तुमको 100 बार अलमारी से दूर रहने के लिए मना नहीं किया है। वेयर इज माय स्टिक, मेरी छड़ी कहाँ है, यानी मौसी जी ने मारने के लिए छड़ी ढूंढी। आंट पोली टोक हर स्टिक, और अपनी छड़ी को लेकर अपनी छड़ी को उठाया, एंड रेस्ट इट हाई, और उन्होंने उस छड़ी को मारने के लिए ऊपर की तरफ उठाया। अब देखिए टॉम क्या चालाकी करता है, सी वाज अबाउट टू स्ट्राइक टॉम हार्ड, वो टॉम को तेजी से मारना चाहती थी। लुक बिहाइंड यू आंटी, मौसी जी अपने पीछे देखिए, शाउटेड टॉम, टॉम चिल्लाया, अरे मौसी जी अपने पीछे देखिए। आंट पोली लुक बिहाइंड हर, मौसी पोली जी ने अपने पीछे देखा, दिस वाज टॉम्स चांस, ये टॉम के लिए एक मौका था। सीरियोस्ड आउट ऑफ द हाउस, वो घर से बाहर की तरफ भागा, ही क्लाइम्ड ओवर द फेंस, वो चार दीवारी पर चढ़ गया। सून ही वाज फार अवे, जल्द ही वो बहुत दूर निकल चुका था। इस प्रकार टॉम ने मौसी जी को बेवकूफ बना दिया। एक बार हम लोग फिर से इसका रिवीजन करते हैं। What have you been doing? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आंट पोली asked angrily, मौसी पोली जी ने गुस्से से पूछा। When Tom did not answer, जब टॉम ने कोई जवाब नहीं दिया, she went on, उन्होंने आगे कहा, You have been stealing the jam again, तुम दोबारा मुरब्बा चुरा रहे थे। Don't tell me, मुझसे ये मत कहना, that you have not, कि तुमने ऐसा नहीं किया है।
have not I told you 100 times to keep away from the cupboard? क्या मैंने तुमको 100 बार कपबोर्ड से अलमारी से दूर रहने के लिए नहीं कहा है? Where is my stick? मेरी छड़ी कहाँ है? Aunt Polly took her stick. मौसी पोली जी ने अपनी छड़ी उठाई and raised it high. और उन्होंने उस छड़ी को ऊपर उठाया. She was about to strike Tom hard. वो टॉम को तेजी से मारना चाहती थी. Look behind you, auntie. तभी shouted Tom. तभी टॉम चिल्लाया. Look behind you, auntie. मौसी जी अपने पीछे देखिए. Aunt Polly. मौसी पोली जी ने लुक बिहाइंड हर अपने पीछे देखा. दिस वाज टॉम्स चांस. यह टॉम के लिए मौका था. ही रेड्यूस्ड आउट ऑफ द हाउस. वो घर से बाहर की तरफ भागा. ही क्लाइंड ओवर द फेंस. और घर से भागकर वो घर की बाउंड्री यानी चार दीवारी पर चढ़ गया. सून ही वाज फार अवे. जल्द ही वो बहुत दूर जा चुका था. तो स्टूडेंट्स, इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में स्टडी करेंगे. आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा. आप लोगों को अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करें. तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद.